जहां एक ओर केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में प्रयासरत है, किसकी वजह से बाल श्रमिकों की दरों में गिरावट आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल श्रम के मामले सामने आते हैं। वहीं जनपद कानपुर देहात में बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैथा तहसील क्षेत्र के इंदिरा गांधी वन चेतना केंद्र औनाहा की वन विभाग द्वारा बनाई गई नर्सरी में मासूम बच्चों से जी तोड़ मेहनत कराई जा रही है। इससे बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन सक्षम अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। शासन लगातार बाल श्रम कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रयास कर रहा है। जिला स्तर पर अधिकारी बाल श्रम को रोकने के लिए आए दिन बैठकें कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिससे जनपद कानपुर देहात में बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। कॉपी और कलम थामने की उम्र में बच्चे मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मैथा तहसील क्षेत्र के इंदिरा गांधी वन चेतना केंद्र औनाहा में देखने को मिला, जहां वन विभाग के द्वारा पौधों की नर्सरी सजाई जा रही है। बच्चे कड़ी मेहनत कर पॉलीथीन में मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। बच्चों ने तो बताया 35 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से उन्हें मजदूरी का भुगतान मिलता है। इससे जिले में बाल श्रम कानून को सरकारी विभाग के कर्मचारी ही तोड़ने में लगे हैं, जिससे बाल श्रम कानून पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्योंकि प्रशिक्षित मजदूर की दिहाड़ी भी बच्चों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो वहीं वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ गई हैं। इस बाबत जिला वन अधिकारी AK द्विवेदी ने बताया कि बच्चों को काम पर लगाना संभव नहीं है, पौधे में प्रशिक्षित मजदूरों के द्वारा काम कराया जाता है। इसके बावजूद बच्चों से मजदूरी और बाल श्रम कराया जा रहा है। बच्चों से कार्य कराए जाने पर गुणवत्ता भी खराब होगी। मामले की जांच कराई जाएगी, जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्यवाही भी की जाएगी। ये सब भरे हैं? ठीक बेटा, क्लास में पढ़ते हो? तीन में। तुमने कितने भरे? तीनों भाई बहन मिलकर भर रहे थे। कितने भर डाले होंगे दीदी? क्या पैसे मिलते हैं तुम्हें? चाचा तो तुम्हें बता रहे थे वो लोग के खाना देने आए थे। नहीं, काम करने जाते हो? हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? समीर। तुम्हारे पापा का नाम क्या? कल्लू। खाना देने गए थे कि नहीं गए थे? नहीं। काम करने गए थे। डेली जाते हो? हाँ। कई दिन से जा रहे हो? जैसा आपने अभी अपने वीडियो के द्वारा थोड़ा सा मुझे दिखाया, उसमें कुछ बच्चे भी हैं और उसमें एडल्ट भी लोग हैं, नर्सरी में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ का वीडियो है पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो आपने बताया है कि ये औनाहा का है, मैं आपको बता दूं कि जो नर्सरी का काम होता है वो एक टेक्निकल काम करने वाले लेबरों को हम लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं, और सब यह काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे राहगीर को बुला करके भी कराना चाहें तो नहीं कर सकता है। तो ये टेक्निकली हम लोग जो हमारा स्टाफ है वो उसको ऐसे लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं। ये बच्चों का जो बता रहे हैं उसको मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी जो रसूलाबाद हैं उनसे मैं अपने पूछूंगा भी। ऐसा कुछ संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर गुणवत्ता प्रभावित होती है, और दूसरा जो है बच्चों से काम कराना तो ये बहुत ही जो है गलत काम है। तो क्या सर इस पे कोई अगर मामला संज्ञान में आता है तो कोई कार्रवाई आपके द्वारा होगी? ये तो पूछने के बाद ही होगा, ये अक्सर होता नहीं है इस तरह का, क्योंकि ये हम लोग अपने नर्सरी को उच्च स्तर का बनाने के लिए इस तरह का जो काम अगर कोई करता भी है तो वो उसी का काम प्रभावित होता है। आपको लगता है सर ये वीडियो सही होगा क्या गलत होगा? ये मैं किसी भी सोशल मीडिया पे किसी वीडियो को मैं कैसे सही या गलत कह सकता हूँ कि आप खुद स्वयं जानते हैं। मतलब जाँच कराएंगे आप इसकी? बिल्कुल।